Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. डॉक्टर और नर्स की लापरवाही से गई एक नवजात बच्चे की जान। लोग अस्पताल में आते हैं बीमारी के इलाज के लिए, पर वो कहाँ जानते हैं कि हॉस्पिटल ही उन्हें मौत के घाट उतार देगा। डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, पर वो कहाँ जानते हैं कि यही डॉक्टर उनकी ज़िंदगी को बस एक पेशेंट और कस्टमर समझते हैं। इंसान मरे या जिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर भीमसेन हॉस्पिटल। डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से गई एक बच्चे की जान, जिसने अभी तक शायद ठीक से आँख भी नहीं खोली थी, उसकी आंखें खुलने के पहले ही बंद हो गई। परिजन का आरोप है कि सोनोग्राफी के लिए हॉस्पिटल में एम्बुलेंस उपलब्ध होने के बावजूद भी उन्हें एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की गई और उन्हें कहा गया कि आप रिक्शे से जाके सोनोग्राफी करवा के आइए। इन सब का जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर अपना पल्ला झाड़ रहा है, महानगर पालिका अपना, नेताओं को इलेक्शन से फुर्सत नहीं है। आइए जानते हैं कि परिजन का क्या आरोप है और पुलिस का इस मामले में क्या कहना है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम सर। विक्रम जी, बताइए कि क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला क्या हो गया है, कल शाम को 5:15 बजे थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ वाइफ का, तो मैंने इधर लाया है। 5:30 बजे 6:45 बजे मैं इधर पहुंच गया था हॉस्पिटल में। 6:45 बजे पहुंचा, गया ऊपर, लिया उन लोगों ने, रखा, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट और रखा ऊपर। रखने के बाद मेरे को बोला थोड़ा सा ब्लड हो रहा था, थोड़ा सा, मतलब इधर नहीं हुआ, ऊपर हुआ थोड़ा थोड़ा, मतलब ब्लड हो रहा था। ब्लड होने के बाद उन लोगों ने मेरे को बुलाया, पेपर पर्ची बना के दिया एक, बोलते आप सोनोग्राफी करो। मैं बोला मैडम किधर करो सोनोग्राफी? वो बोले मेरे को परवल में करो। तो पहला एम्बुलेंस का बात कर रहे थे वो लोग, सिस्टर लोग अंदर ही, बोले एम्बुलेंस। तो बाद में मेरे को एम्बुलेंस कुछ बोला नहीं, बाद में बोले रिक्शा पकड़ो बाहर से। मैं बोला मेरे को मालूम नहीं मैडम किधर है, बोले बाहर जाओ, बाहर से रिक्शा पकड़ो, रिक्शा पकड़ो, ये साइड में परवल में जाओ, सोनोग्राफी करो। तो उधर पहुँचा मैं 6:30 6:15 बजे उधर पहुंचा, तो वो बोले डॉक्टर नहीं है उधर, सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर नहीं है अभी। तो बाद में मैंने रिक्वेस्ट किया, मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, ब्लड हो रहा है, अभी मैं रिक्शे पे आया, फिर रिक्शे पे जाना पड़ेगा मेरे को घूमेगा, मतलब कुछ हो गया। तो बाद में उन लोगों ने फ़ोन पे डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर को बुलाया उधर, 7:45 बजे सोनोग्राफी किया, मतलब आधा घंटे में सोनोग्राफी करके मेरे को रिपोर्ट दिया। मतलब बोला बच्चा 3.5 किलो का है, मतलब नॉर्मल है, पानी थोड़ा कम है। रिपोर्ट जैसा मेरे हाथ पे दिया, मैं आया इधर, रिपोर्ट दिखाया, एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मतलब नॉर्मली है बोला, कुछ नहीं बोला मेरे को, नॉर्मली है। एक घंटे घंटे तक मैं पूछता रहा, वो डॉक्टर को भी बोला हाँ ठीक है नॉर्मल है। 12:15 बजे भी पूछा, 12:30 बजे भी पूछा, हाँ नॉर्मल है। ये 1:15 तक भी मैं पूछा डॉक्टर को, हाँ नॉर्मली है बोला। एक का उसके बाद मेरे को कुछ बोला नहीं, मेरे को ना अंदर जाने दिया उन लोगों ने। 1:30 बजे 1:30 को मतलब डिलीवरी हो गया लगता है। तो बच्चा जब भी मरा होने के बाद में बच्चा मेरे को ला के दिखाया हाथ में, देखो लड़का मर गया, ऑफ हो गया। क्या वजह है, क्या आरोप है, किस वजह से बच्चा? आरोप लापरवाही, लापरवाही, मेन डॉक्टर नहीं थे, मतलब लेडीज डॉक्टर नहीं थे, सिस्टर थी। सिस्टर को मैंने बोला तो मेरे को बोली चुप, तुम्हारा चुप रहने का, बोलने का नहीं तुमको, हम बोलेगा तुम सुनने का। जो डायग्नोलॉजी, जो प्रसूति डॉक्टर होते हैं, प्रसूति करने के डॉक्टर, वो थे क्या? वो नहीं थे, जेंट्स डॉक्टर थे, एक सिस्टर थी अंदर। अच्छा। सर एक केस आपके पास आया है, क्या है पूरा मामला? नवगर पुलिस स्टेशन में टेम्बो हॉस्पिटल भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट में जो हॉस्पिटल है, वहाँ से एक डेथ इंटीमेशन आया है। वो डेथ इंटीमेशन के अनुसार एक व्यक्ति नामे विक्रम चाड़, रहने का उनका एड्रेस है इंद्रलोक फेज 2, उसकी बीवी मंगला, जिसने 5 तारीख को रात को एक नवजात लड़के को जन्म दिया, वो लड़का जन्म होते ही मर गए। उसके बारे में हम एक अकस्मात मृत्यु की नोंद की गई है, खबर लेते लेके की गई है। सर परिवार वालों ने आपके पास क्या आरोप किया है? परिवार वालों के आरोप है कि सुविधा नहीं वगैरह, ऐसा जो आरोप थे तो उसके बारे में वो संबंधित प्रशासन के पास उनके तकरार देने वाले। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम जयश्री पटवर्धन है।
पटवर्धन मैडम, क्या प्रॉब्लम है, कभी आप दाखिल हुई थी? मैं रात को 9 बजे दाखिल हुई थी, तो बोले कि 12 घंटे तक देखते वेट करते फिर डिसीजन लेंगे। फिर सुबह रात भर भी कुछ नहीं बोला, सुबह 9 बजे बोला कि सोनोग्राफी अर्जेंटली, ऊपर से आज संडे तो कहीं भी अभी खुला नहीं मिल रहा था, कैसे भी करके सोनोग्राफी हम लोग करके आए। बोले सोनोग्राफी करने के बाद कुछ डिसीजन लेंगे, सोनोग्राफी करके आए, अभी बोल रहे कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आप कहीं बाहर चले जाइए। क्यों नहीं होगा, क्या वजह है? स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर आने को रेडी नहीं है संडे, इसकी वजह से? इसकी वजह से। तो आपके, आप ही अकेले आपको बाहर निकाला कि और भी लोगों को बाहर? फिलहाल तो मैं अकेली हूँ। तो अभी कहाँ जा रही है? हॉस्पिटल का नाम? अभी हम देखते हैं दूसरे कहीं हॉस्पिटल में।